मैं उनकी सूची संसदीय कार्य विभाग को दे देता हूँ कि क्या इसके उत्तर को सुनिश्चित करा दिया जाए। कल से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और उस बजट सत्र के ठीक पहले आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक अहम बैठक चल रही है। विधानसभा में इस वक्त तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ विजय कुमार सिन्हा बैठक कर रहे हैं और देखिए कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं कि विधानसभा के परिसर के अंदर कोई भी लापरवाही न बरती जाए, कोई भी चूक न हो, इसको लेकर के बैठक किए जा रहे हैं, कई निर्देश दिए जाएंगे। पटना के देखिए इस विधानसभा में जब कल से बजट सत्र शुरू होगा तो तमाम माननीय पहुंचेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक एक चीज़ों का खुद से मॉनिटरिंग किया था और ये निर्देश दिए गए थे। बिहार के DGP एस के सिंघल इस बैठक में मौजूद है, पटना के सचिवालय SP काम्या मिश्रा भी मौजूद है और तमाम आला अधिकारी जो है इस वक्त विधानसभा के अंदर जो है बैठक चल रही है। देखिए बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे कि कैसे जो है जब माननीय सदस्य पहुंचेंगे यहां पर विधानसभा के परिसर तो सदस्यों के साथ कोई लापरवाही ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के यह बैठक चल रही है। बैठक में तमाम अधिकारियों के साथ जो है DGP ADG सहित पटना के DM पटना के कमिश्नर सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। वहीं बजट सत्र को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और सभी लोगों को नियम कानून के तहत पालन कराने को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से जो है बैठक जो है विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चल रही है और इस बैठक के बाद जो है DGP SK सिंघल को निर्देश दिए जाएंगे कि देखिए किसी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि पिछले बार सदन जब चल रहा था आपको पता है विधानसभा के परिसर में खाली शराब की बोतलें बरामद हुई थी, जिसके बाद विपक्ष ने खूब हंगामा किया था सदन में। बिहार के नेता प्रतिपक्ष खुद उस जगह गए थे, वहाँ शराब की बोतल उन्होंने देखी और फिर नीतीश कुमार को जाके सदन में बताया, तुरंत मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आए थे, तुरंत DGP SK सिंघल को तलब किया गया था और फिर उस जगह पर जाकर के मुआयना किया गया था। उसके बाद विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि बताइए एक खाली शराब की बोतल के लिए पूरी सरकार जो है वो लगी हुई है। अब देखना होगा कि इस बार का बजट सत्र किस तरह से गुजरता है, कितना शांतिपूर्ण बजट सत्र चलता है और क्या कोई चूक जो है ना हो, इसको लेकर के जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो किस तरह से पालन किए जाते हैं। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। विगत 3 सत्रों के मात्र 13 विभाग 12 प्रश्न है। ग्रामीण विकास विभाग 5 प्रश्न है।